हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अक्षरा के पास फ़ोन आता है डुकू की मैम का। तभी वो पूछ रही होती हैं, डुकू क्यों नहीं आया। अक्षरा बताती कि उसका चेकअप चल रहा है। आगे आप देखेंगे डुकू पूछता है किसका फ़ोन था। तभी अक्षरा बताती है तुम्हारी मैम का, वो पूछ रही थी आज स्कूल क्यों नहीं आए। तभी डुकू कहता है तो मेरा आज कल मैं मामा मम्मा डबल मेहनत करूँगा। इधर अक्षरा और नैतिक दोनों लोग रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे होते हैं, बहुत ही सैड होते हैं। इधर इधर राजबन्ना अपनी एक फाइल ढूंढ रहे होते हैं, उनको मिल नहीं रही होती है। तभी मुस्कान आ जाती है, कहती है अंकल मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तभी राजबन्ना बताते हैं कि मैं एक फ़ाइल ढूंढ रहा हूँ। तभी मुस्कान वो फाइल ढूंढ कर उनको दे देती है और साथ ही सारे पेपर को भी सही से रख देती है। इधर राजबन्ना कहते हैं कि वाह, तुमने ये सब कितने अच्छे से कर लिया, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी। और मुस्कान कहती हाँ अंकल, अब आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा, मैंने सारी फाइल्स ठीक से कर दी हैं। और ये बात देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं राजबन्ना, कहते हैं वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है, मेरा बहुत हेल्प हो गई मेरी। और दोनों को यूँ हंसता देख कर देवयानी जी भी बहुत खुश हो जाती हैं। आगे आप देखेंगे अक्षरा बहुत ही परेशान होती है, बैठी हुई इंतज़ार कर रही होती है। अक्षरा फ़ोन पे बात कर रही होती है, तभी डॉक्टर आ जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं तुम्हें फ़िश पसंद है। टुकू से कहते हैं देखोगे हमारे यहाँ बहुत सारी फ़िश हैं। नर्स से कहते हैं जाओ इसे लेके जाओ। नर्स टुकू को फ़िश दिखाने जाती है। इधर डॉक्टर बात करते हैं, कहते हैं कि मैंने सारी रिपोर्ट चेक कर ली हैं और बाकी डॉक्टरों से भी कंसल्ट कर लिया है, टुकू को आपके बेटे को डायबिटीज है। ये सुनकर दोनों लोग के होश उड़ जाते हैं। आगे आप देखेंगे इधर देवयानी जी चाय बना के लाती है, राजबन्ना और भाभी माँ दोनों लोग चाय पी रहे होते हैं। तभी टुकू आता है, कहता है देखो मैं आ गया, मैंने ब्लड टेस्ट भी करा लिया और मैं रोया भी नहीं। तभी ये लोग कहते हैं वाह मेरा बहादुर बच्चा। तभी इधर अक्षरा नैतिक आ जाते हैं और डुगू को कमरे में भेज देते हैं और भाभी माँ पूछती हैं सब ठीक तो है। तभी अक्षरा रोने लगती है और सभी लोग पूछते हैं क्या हुआ, आखिर बात क्या है बताओ ना। तब नैतिक बताते हैं कि डुगू को डायबिटीज है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं डायबिटीज, लेकिन वो तो वंशानुगत होती है ना, और हम में से किसी को नहीं और ना ही अक्षरा के परिवार में किसी को है, मुझे जहाँ तक पता है किसी को भी नहीं है, फिर कैसे हो सकती है। तभी नैतिक बताता है कि ये हो जाती है कभी कभी, ये डायबिटिक 2 होती है जो वंशानुगत नहीं बल्कि वैसे भी हो सकती है। और तभी अक्षरा बहुत ही रोए जा रही होती हैं और भाभी माँ भी बाकी सब लोग भी कि इतने छोटे से बच्चे को कैसे हो सकती है। तभी देवयानी कहती है हो सकती है छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाती है। और ये बात सुनकर सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, अक्षरा भी बहुत परेशान होती है, कहती है मैं डुक्कू को कैसे समझाऊंगी, उसके सारे अब वो खेल भी नहीं सकता, उसे कितना शौक है खेलने का और उसे मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैं उसे चॉकलेट देती रही, वो बार बार सुसु जाता था, उसे नींद आती थी, ये सब उसी के लक्षण है। और मैं अपने बेटे को कहीं हलवा बना के दे रही हूँ कहीं चॉकलेट, मैं कितनी बुरी माँ हूँ, वो बार बार अपने आप को ऐसे ही बोल रहती है। तभी देवयानी कहती है नहीं अक्षरा तुम्हें थोड़ी पता था, और ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, तुम अपने आप को दोष मत दो। अक्षरा कहती है नहीं माँ मैं कैसे समझाऊँ, मैं डुकू को कैसे बताऊँगी, उसे इंजेक्शन लगेंगे, मैं कैसे कहूँ। तभी भाभी माँ कहती हैं बताओ इतने छोटे से बच्चे को, हम बूढ़ों को ये सब चीज़ें होनी चाहिए, भगवान मुझे भी दे देता। और इधर सभी लोग परेशान होते हैं और नैतिक भी, नैतिक कहते हैं कि हाँ लेकिन क्या करें। डुक्कू आ जाता है तभी, कहता है क्या हुआ आप लोग क्यों इतने सैड हो, अब तो मैंने टेस्ट भी करा लिया है और अब मैं अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी करूँगा। इधर नैतिक बहुत ही परेशान होते हैं, कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, डायबिटीज जो ऐसी बीमारी है जो उसके साथ हमेशा रहेगी। और इधर देवयानी जी भी बहुत परेशान होती हैं और बाकी घर के सभी एक सदस्य बहुत परेशान होता है।
आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा की माँ लड्डू बना के लाते हैं, कहते हैं ये मैंने बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाया है, इसे चीकू खाएगा तो इसमें उसमें बहुत ही अच्छी ताकत आ जाएगी और वो अच्छे से फुटबॉल खेल सकेगा। कहती हैं जरा खा के देखो, सभी लोग सैड होते हैं। तभी माँ कहती हैं कि क्या हुआ, कोई बताएगा कुछ? तभी सौर्य बताता है कि चीकू को डायबिटीज हो गई है। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो जाती है। कहती हैं शुगर की बीमारी उसे कैसे हो गई, ये तो वंशानुगत होती है ना? तभी सब लोग कहते हैं हाँ, अब चीकू कुछ भी मीठा नहीं खा पाएगा और ना ही खेल पाएगा। तभी मैं बहुत ही रोने लगती है। कहती हैं इतने नन्हे से बच्चे को कैसे हो सकती है, और बहुत ही अपसेट हो जाती हैं। आगे आप देखेंगे वर्षा कहती है शौर्य से, मुझे लगता है हमें अनन्या का भी ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। आगे आप देखेंगे कि इधर सभी लोग अक्षरा नैतिक और डुगू कमरे में आ जाते हैं। डुगू कहता है कि माँ देखो ना, मेरी फुटबॉल प्रैक्टिस रह गई, मैं कल से डबल प्रैक्टिस करूँगा और अच्छे से करूँगा, नहीं तो वो सर मुझे निकाल देंगे। और अक्षरा और नैतिक बहुत ही परेशान होते हैं। अक्षरा अपने आप को कैसे ना कैसे संभाल रही होती हैं और कहती हैं डुगू को कैसे बताएंगे ये सब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और इधर अक्षरा के परिवार वाले भी बहुत ही दुखी होते हैं ये बात सुनकर। आगे आप देखेंगे दिव्यानी जी राजवन्ना के पास आती हैं और कहती हैं कि भाभी माँ गायत्री जी को बहुत मिस कर रही हैं। मैं मानती हूँ मैं उनकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगी। तभी राजशेखर वन्ना कहते हैं कि दिव्यानी जी आप तो वैद्य हैं ना, आपके आयुर्वेदिक में कुछ ऐसा नहीं है जिससे चीकू की बीमारी ठीक हो सके। तभी वे कहती हैं आपको कहने की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे स्वस्थ कर दूँगी। और आगे आप देखेंगे इधर चीकू लेटा हुआ सो जाता है, कहता है मम्मा मुझे सोना है, और वो सो जाता है। इधर नैतिक और अक्षरा उसे सुलाते हैं और तभी अक्षरा को एक सपना आता है कि नैतिक डुगू का इंजेक्शन लगाने का, डुगू चिल्ला पड़ा तो अक्षरा उठ जाती हैं चिल्ला कर। इधर भाभी माँ रो रही होती हैं, उधर मुस्कान और बाकी सब लोग बहुत परेशान होते हैं। आगे आप देखेंगे दूसरी सुबह हो जाती है और अक्षरा गाना गाती हैं, सुबह की आरती करती हैं और सभी लोग आरती में शामिल होते हैं। सभी लोग बहुत ही उदास हैं और चीकू को लेकिन कुछ पता नहीं। अक्षरा सोचती हैं कि चीकू को कैसे वो सब बताएंगी। तभी आरती ख़त्म हो जाती है, चीकू प्रसाद मांगता है भाभी माँ से और भाभी माँ दे देती हैं। और तभी देवयानी जी कहती हैं कि आपने क्यों दिया उसे, आपको पता है ना मीठा नहीं देना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो सब पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।